नमस्कार, आप लगातार डॉटिन देख रहे हैं और मैं जीतन कुमार हूँ। बिहार में जदयू और आरजेडी की सरकार बनने से पूरे देश में भूचाल का माहौल है। दरअसल राजनीतिक सत्ता गलियारों में ये चर्चा है कि जब एनडीए के साथ जदयू ने सरकार बनाई थी तो फिर क्या जरूरत आन पड़ी कि आरजेडी के साथ बीच बिहार में ही सरकार उन्होंने तोड़ दिया और आरजेडी के साथ सरकार बनाई। हमारे साथ आरजेडी के नेता हैं और पूर्व मंत्री सुरेश पासवान भी हैं, उनसे जानते हैं क्योंकि आरजेडी से नेता हैं, उनका मंतव्य भी जानना जरूरी होता है। मंत्री जी, क्या सोचते हैं आपके अनुसार जिस तरह से बिहार में सरकार बनी है, इस पर आप क्या सोचते हैं? देखिए, बिहार में आज जो नीतीश कुमार और हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव के और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के दिशा निर्देश पर आज पूरे महागठबंधन दल के साथी कांग्रेस कांग्रेस आरजेडी सीपीआई सीपीएम और जितने भी छोटे छोटे दल के पार्टी हैं, सारे लोग मिल करके वहाँ एक संकल्प लिया कि आज नीतीश कुमार बीजेपी के साथ जो है सरकार चला रहे थे, लेकिन नीतीश कुमार को ऐसा टॉर्चर किया, ऐसा जो है उनके साथ खिलवाड़ करने का काम किया, बदनाम करने का काम किया, उनको बेइज्जत करने का काम किया। इसलिए बिहार जो होता है आज, बिहार का लोग जो है बिहारी लोग बोलते हैं, लेकिन आज सब लोग यह भी कहना पसंद करते हैं बिहारी सब पर भारी। बिहार के सारे जितने भी जनप्रतिनिधिगण थे और जितने भी महागठबंधन के साथी थे, सारे लोग गुलबंद हुआ कि नरेंद्र मोदी का जो चाल है, ये सब जगह फूट डालो शासन करने का जो है काम किया है पूरे देश में। आज आप देखे कि महाराष्ट्र में किस तरह हुआ, बंगाल में किस तरह ही कर रहे थे। आज ममता जी जो है लड़ाई लड़ के वो राज्य को बचाने का काम किया, और जो है जहाँ जहाँ जो भी राज्य में ही खिलवाड़ करने का काम किया, खरीद बिक्री करने का काम किया, वही चाल जो है जैसे झारखंड में भी प्रयास काफ़ी किया तोड़ जोड़ करने के लिए और वहाँ का एमएलए को भी खरीदने के लिए जो चाल चला, उसी तरह बिहार में भी यह एक षड्यंत्र रचा था कि एका के एमएलए को जो है 5-5 करोड़ रुपया में खरीदेंगे और मंत्री को 6-6 करोड़ में खरीदेंगे और वहाँ सरकार को गिराने का साजिश चल रहा था, और उसी लोगों के साथ जो है यह मामला फूटा। जिस तरह से तेजस्वी यादव सरकार सत्ता में आ गई है, जब उनकी सरकार नहीं थी तो चुनाव में वादे उन्होंने किए थे कि अगर मेरी सरकार मैं जब सत्ता में आऊँगा तो लाखों लोगों को रोजगार भी दूंगा, तो क्या उन वादों पर तेजस्वी यादव खरा उतर पाएंगे? देखिए, आप लोग तो तिल का ताड़ बनाते हैं। अभी जुमा जुमा 8 भी दिन नहीं हुआ है, तेजस्वी जी अभी पूरे तरह से कमान भी नहीं संभाले हैं और आप डिमांड करना शुरू कर दिए। लेकिन आप लोगों को यह पहले डिमांड होना चाहिए कि नरेंद्र मोदी जो है चुनाव के समय में 2 करोड़ नौकरी देने का बात किया था, हर साल हम 2 करोड़ नौकरी देंगे, 15-15 लाख रुपया उसका खाता में डालेंगे, जितना है किसान भाई पूरे देश में उसको जो है सारे किसान को अव्वल दर्जा का किसान बना देंगे। तो ये झूठा बोल करके, जो झूठा पहले बोल चुके हैं उस पर आप लोगों को बात करना चाहिए। अभी तो तेजस्वी जी और नीतीश कुमार जी बिल्कुल जो नौकरी वाला बात कर रहे हैं उस पर तो निर्णय ले ही रहे हैं, कुछ बिल्कुल न कुछ तो उसमें डिसीजन लेंगे, लेकिन जो पहले वादा कर चुके हैं वो कहाँ उसका घुस गया, पेट में घुस गया कि उसका माथा में घुस गया या आंख कान में घुस गया, बिल्कुल कहाँ चला गया नौकरी? 2 करोड़ नौकरी वो पहले दे, पहले इसके बाद न देंगे भाई तेजस्वी जी नौकरी, बिल्कुल पहले वो दे जो वादा किए हैं। राजनीतिक जो कयास लगाए जा रहे हैं कि अब पहले जब सत्ता में नहीं थे तो एनडीए के साथ जब जदयू थी तो तेजस्वी यादव बोलते थे कि पलटू चाचा हैं, पलट गए हैं और बीजेपी के साथ सरकार बन गए, लेकिन वही अब पलटू चाचा आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बना दिए हैं, बिल्कुल, तो ये कैसे, ये देखिए कंक्लूजन ये कैसे आया? कैसे हुआ, नहीं हुआ, आप तो जान रहे हैं कि बीजेपी के लोग जो है ऐसे लोगों को लड़ाने का काम करते हैं, ऐसे वादे करने का काम करते हैं, ऐसे जो है नीतीश कुमार जी को कितना तरह का जो है प्रलोभन दिया कि बिहार राज्य को जो है
हम बिहार को जो है पैकेज देंगे, बिहार को अव्वल दर्जा में हम ला के पहुंचाने का काम करेंगे, बिहार में जो है इंडस्ट्रीज ला करके और सारे बेरोजगार को रोजगार देंगे। लेकिन बीजेपी के लोग जो है कभी यह नहीं सोचता है कि दूसरे पार्टी का सरकार रहे, जदयू का सरकार रहे, आरजेडी का सरकार रहे, वो जो है हर समय कोई न कोई पेच लगा करके, उसी तरह आज पेच जो लगा रहे थे। इसीलिए आज पलटू चाचा का जहाँ बात होता है तो जहाँ परिवार वाली बात होती है वहाँ तो चाचा और भतीजा एक तो हो ही सकते हैं, और आज उसी तरह चाचा भतीजा दोनों मिल करके सरकार बना के दिखा दिया। और एक दूसरा सवाल, जिस तरह से केंद्र की सरकार कहने की हर घर झंडा लगाएं, इन चीजों को आप किस तरह से देखते हैं संक्षेप में? देखिए यही तो कहने की बात है, आज देश के लिए हम लोग लड़ाई लड़ते हैं, पूरे देश में जो है अमन चैन के लिए लड़ाई लड़ते हैं। इन लोगों के पास तो कोई मुद्दा बचा नहीं, इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं बचा। आज जो है देश के प्रतीक जो हम लोग झंडा फहराते हैं, आज जो हम लोग राष्ट्रीय झंडा को फहराते हैं और देश के लिए 15 अगस्त और 26 जनवरी को जो है हम लोग झंडा फहराते हैं और देश के प्रतीक जो है लोगों को सहानुभूति करते हुए देश के लिए जो है हम लोग काम करते नहीं, हैं, ये जो झंडा, ये जो झंडा वाला जो प्रोग्राम किया ये तो बीजेपी का प्रोग्राम है। आज हर घर घर में जो देखिए इस चीज का झंडा, देखिए समर्थन करते हैं कि नहीं करते हैं? यह झंडा का जो हर घर में लगाने का काम जो कर रहे हैं, यह झंडा का अपमान करने का काम कर रहे हैं। इसलिए कि यह झंडा जो भी बच्चा का हाथ में जाएगा वो गोबर ढेरी में जाके फेंकेगा, कोई भी झंडा जो है रहेगा वो मुंह पोछेगा, कोई रुमाल बनाएगा, कोई बर्तन पोछेगा, यह तो देश का अपमान हुआ। इसलिए यह झंडा का जो यानी कि प्रोग्राम इस किया चीज का है समर्थन नहीं करते हैं आप? एकदम कभी समर्थन नहीं करते हैं, न कभी करेंगे। हम लोग झंडा फहराने का जो काम है, 15 अगस्त को हम लोग निश्चित तौर पर झंडा फहराएंगे, 26 जनवरी को झंडा फहराएंगे, क्योंकि यह देश का प्रतीक है, झंडा को सम्मान देना चाहिए। झंडा जब भी फहरेगा 8 बजे सुबह फहरेगा और 5 बजे जो है झंडा को सम्मान के साथ उसको इज्जत के साथ उसको उतार करके उसको रखा जाता है। ये तो कह रहा हर घर में झंडा लगाओ, हर घर में जुवड़ी जैसा जो है जुआ खेलेगा, वहां भी ताश खेलेगा, झंडा को बिछा लेगा और उस पर खेलेगा, ये तो झंडा को अपमान कर रहा है। इसलिए इन लोगों के ऊपर देशद्रोही का मुकदमा होना चाहिए और जेल के अंदर बंद करना चाहिए, इसलिए कि ये जो है देश का प्रतीक को जो है मिट्टी में मिला रहा, मिट्टी में मिला रहा। तो ये थे राजद नेता पूर्व मंत्री सुरेश पासवान, जिनका कहना है कि बिहार में जो सरकार बनी है, जिनकी जिम्मेदारी सरकार बनाने की थी जब जदयू और बीजेपी की सरकार थी, तब लोगों ने एक अलग कयास लगाए थे, लेकिन अब आरजेडी या जदयू की सरकार बनी है, तेजस्वी यादव के ऊपर भी एक जिम्मेदारी आन पड़ी है कि युवाओं को नौकरी देने की बात हो रही है, सब धीरे हम धीरे निश्चित होगा, तौर पर लेकिन देंगे। झंडे की बात जो केंद्र सरकार कह रहे हैं कि हर एक घरों पर झंडा लगाएं, इनका समर्थन ये नहीं करते हैं। देवघर लगातार डॉट इन, जीतन कुमार।